आप सामने देख सकते हैं, ये एक प्रतिमा है और ये ट्रोल करेगी, ऐसे आएगी जाएगी और ऐसे मूवमेंट करेगी, सब बैरिंग से सेट है और इस तरह से आपकी आप देख सकते हैं कि ऐसे ऊपर और नीचे ये प्रतिमा होगी। और ये विगत 25 वर्ष हो गए इसका, इस बार सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं और इसका रूप हम लोग दे रहे हैं एक हॉन्टेड हाउस का, जो भयानक आवाजें आएंगी, राक्षस निकलेंगी, लोगों को डराएंगी और इस डर को उबारने के लिए माँ दुर्गा कैसे अवतरित होंगी और राक्षसों का वध करेंगी। इनकी कलाकृति को देखिए, कितना खूबसूरत मतलब कलाकृति इसमें इन्होंने ऐसी मूर्ति को पेंट करके तैयार किया गया है और ये सब मशीनों द्वारा ये जो है आप देख सकते हैं कैसे उठ रही है और कैसे नीचे जा रही है, आप देख सकते हैं। सभी सभी सबसे ज्यादा योगदान हमारे पप्पू पेंटर का है, जो ये ऐसी चीजें को वो व्यवस्थित कर रहे हैं, ऐसी मतलब प्रतिमा लगा रहे हैं, उसको कहाँ पे सेट करना है ये सब सारी आप ये देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ये ट्रॉली बनी हुई है, इस ट्रॉली से प्रतिमा यहाँ से वहाँ तक आएगी और जाएगी। जय हिंद दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं गौरी बाजार के टाउन में और यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा बन रही है, ऐसा प्रतिमा बन रहा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रतिमा, शायद हम लोग बंगाल या बिहार जाते हैं तो ऐसा अत्याधुनिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने को मिलता है और पहली बार अपने गौरी बाजार में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है, जो अपने आप में एक अजूबा है। और ऐसा जो स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हो रहा है, अभी तक मतलब पूरे गौरी बाजार के इतिहास में ऐसा पंडाल नहीं बना था। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये राम जानकी मंदिर है गौरी बाजार की और यहीं के जस्ट बीच में ये दो मज़ारे पड़ती हैं और इस मज़ार के जस्ट सामने ये एक बड़ा खूबसूरत सा पंडाल बन रहा है। आप सामने देख, हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ की बातों को बरकरार रखा गया है और जो सारी चीज़ें जो सुरक्षित होनी चाहिए एकदम बिल्कुल बरकरार स्थिति में है। और आप सामने देख सकते हैं, एक तरफ पंडाल है, दुर्गा प्रतिमा का एक बहुत ही खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पंडाल बन रहा है और बीच में दो मज़ारे हैं और ये दो मज़ारों के सामने एक राम जानकी मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, आप सामने देख सकते हैं। तो ऐसे में गौरी बाजार में हिंदू मुस्लिम एकता का एक एक मिसाल ही बनकर तैयार मतलब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इस पंडाल में हर चीज़ मशीनों द्वारा चलेगी और ऐसा पंडाल अभी तक पूरे यूपी में ऐसा पंडाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम चाहेंगे आप दर्शकों से कि इस पंडाल को आप एक बार ज़रूर देखें और आज हम बातें करेंगे कि इस जो पंडाल जो बनाया जा रहा है, इसके जो व्यवस्थापक गण हैं, यहाँ पर कितनी कॉस्टिंग हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ कहाँ से इन्होंने कारीगर को बुलाया हुआ है। और चूँकि हमारे संपर्की हैं, किशन वर्मा नाम है उनका और सोने का व्यापार भी करते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई से इस पंडाल को आज एक ऐसा लुक देंगे जो देखने मतलब आने वाली पीढ़ी और आज जो जनता यहाँ पर आएगी तो देखेगी कि हाँ, इन्होंने ऐसा एक अद्भुत पंडाल तैयार किया है जो अपने आप में एक अजूबा है। सामने देख सकते हैं, ये एक प्रतिमा है और ये इस तरह से काम करेगी कि वहाँ से यहाँ तक रन करेगी, हम सब आपको दिखाएंगे। पहले इसके स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे इसको मतलब बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हर चीज़ जो है कि एक बैरिंग सिस्टम पे सिट है, आप देख सकते हैं इसके द्वारा ये प्रतिमा इधर से उधर आएगी और जाएगी और यहाँ पर इस पंडाल को भव्य सुंदर और भव्य तरीका देने के लिए और इसका और जो भी सुंदरीकरण है उसको पूरा व्यवस्थित करने के लिए यहाँ के गौरी बाजार के मशहूर पप्पू पेंटर, इनका नाम है और बहुत ही फेमस पेंटर हैं, इन्हीं के द्वारा यहाँ इस पंडाल को इस तरह से सजाया जा रहा है कि मतलब गौरी बाजार में ऐसा पंडाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनकी कलाकृति को देखिए, कितना खूबसूरत मतलब कलाकृति इसमें इन्होंने ऐसी मूर्ति को पेंट करके तैयार किया गया है और ये सब मशीनों द्वारा ये जो है आप देख सकते हैं कैसे उठ रही है और कैसे नीचे जा रही है, आप देख सकते हैं। सभी
सभी सबसे ज़्यादा योगदान हमारे पप्पू पेंटर का है, जो ऐसी चीज़ें को वो व्यवस्थित कर रहे हैं, ऐसी मतलब प्रतिमा लगा रहे हैं, उसको कहाँ पे सेट करना है ये सब सारी। आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ये ट्रॉली बनी हुई है, इस ट्रॉली से प्रतिमा यहाँ से वहाँ तक आएगी और जाएगी। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर नीचे से आप देख सकते हैं बन के पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन जब इसका जो अंतिम जो इसका जो रूप होगा, मैं आपको अंतिम रूप उस दुर्गा पूजा वाले दिन ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसकी स्टार्चिंग है, इसकी स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा पंडाल है, लेकिन ये छोटा पंडाल पूरे यूपी में एक फेमस मतलब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा पंडाल पूरे यूपी में नहीं बना हुआ। तो आप यहाँ पर क्या क्या काम आप कर रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी है केवल कलर करने का जी, ठीक है। इसका मेन थीम तो बाबू वर्मा ने दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनके बताने के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ जी। जी तो इस उनके बताने के हिसाब से क्या क्या काम कर रहे हैं आप? कुछ पोर्ट्रेट बनना है, जैसे इसमें ये काली जी की फोटो है, ये काली जी की फोटो आपने बनाई है, लाइए दिखाइए। हाँ, ये नीचे से ऊपर उठेगा ये। अच्छा, नीचे से ऊपर ऐसे मूवमेंट करेगा। हाँ, इसके बाद कोई और प्रतिमा जो आप बना रहे हो, जो पेंट कर रहे हो? कुछ बाकी है, ये सामने ये राक्षस हो रहा है। अच्छा, इधर। हाँ, ये नीचे का, ये सामने वाला। अच्छा, ये सामने वाला। हाँ, इसकी पेंटिंग बाकी है। अच्छा अच्छा, इसके बाद इसको कैसे आप मतलब इसको भी पेंट करेंगे? आसमान बनाए जाएंगे, आसमान बनेगा, एक सिंहासन यहाँ बनाया जाएगा दुर्गा जी का। अच्छा अच्छा, हाँ, जो यहाँ से दुर्गा जी चल के आएंगे। अच्छा, चल के आएंगे। हाँ, ये सब सीनरी बनेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे जंगल पहाड़ ये सब। तो हम कहेंगे कि इस महान पेंटर की कला भी आप आकर देखिए कि क्या कला आज इस पंडाल में आने वाले 2-4 दिनों के बाद कितनी कलाकारी करते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रतिमा है और यहाँ से इसको हम चलाकर भी आपको दिखलाएंगे अभी कि कैसे ये मूवमेंट करती है, यहाँ से वहाँ तक ये कैसे जाती है। ये एक राक्षस का एक प्रतिमा देख सकते हैं, अभी काम अधूरा है, अभी काम काफ़ी बाकी है। तो सामने आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? किशन वर्मा नाम है। किशन वर्मा नाम है। तो आपको ऐसा क्या फीलिंग हुआ कि इस बार कुछ एंटिक अलग करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं इसमें? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पंडाल पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का माँ शक्ति क्लब हृदय से स्वागत करता है और काफ़ी सफलता मिलती है हम लोग को इसमें। काफ़ी चर्चित पंडाल है यह और ये विगत 25 वर्ष हो गए इसका, इस बार सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं और इसका रूप हम लोग दे रहे हैं एक हॉन्टेड हाउस का, जो भयानक आवाज़ें आएंगी, राक्षस निकलेंगी, लोगों को डराएंगी और इस डर को उभारने के लिए माँ दुर्गा कैसे अवतरित होंगी और राक्षसों का वध करेंगी, इस बार का थीम हम लोग का यही है। थीम है। तो इसमें आप जो ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इसमें कितनी समथिंग लागत आपकी लग रही है? समथिंग लागत करीब 1.5 से 2 लाख की है। 1.5 से 2 लाख रुपए। हाँ, बाकी बहुत से ऐसे हमारे जो कलाकार हैं जो अपना हुनर दिखाते हैं इसमें जी। उनका पैसा हम लोग जोड़ते नहीं है, अगर उनका पैसा जोड़ दिया जाए तो बहुत सी लागत पहुँच जाएंगी, करीब 5 से 10 लाख के इर्द गिर्द पहुँच जाएगा। लेकिन तो ये स्ट्रक्चर जो आप तैयार कर रहे हैं, इसमें कारीगर कहाँ कहाँ से बुलवाए हैं आपने? पहले तो हमारे सर्वप्रथम हमारे लोकल के ही कारीगर हैं, पप्पू पेंटर जी, जिनको आप सब लोग जानते हैं, जो 25 सालों से हम लोग के साथी हैं और ये हर बार अलग अलग कुछ थीम हम लोग को बताते हैं और करवाते हैं और हम लोग अपना योगदान देकर इसको पंडाल आगे करते हैं। तो आपने सुना मतलब 1.5 से 2 लाख है, लेकिन अगर पैसा ऐसे जोड़ा जाए तो काफ़ी 10 लाख से क्रॉस कर जाएगा। ऐसे में ये प्रतिमा है, हम इसको अभी आपको चला के भी दिखवा रहे हैं और अंतिम क्षण जब ये कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा और जब दुर्गा पूजा का जो मेला लगेगा उस दिन हम इसको कवर करेंगे और इसकी सुंदरता और इसकी कवरेज हम करके आप दर्शकों के बीच में दिखाएंगे। आप सामने देख सकते हैं, ये एक प्रतिमा है और ये ट्रोल करेगी, ऐसे आएगी जाएगी और ऐसे मूवमेंट करेगी, सब बैरिंग से सेट है और इस तरह से आपकी आप देख सकते हैं कि ऐसे ऊपर और नीचे ये प्रतिमा होगी। ऐसे भी जाएगी, इधर से शेर आएगी। हाँ, तो थोड़ा अगर जा सकती है तो कराइए। नहीं भाई, इधर से शेर एक जाएगा। हाँ, उसके पीछे जाकर। अच्छा, इधर से एक शेर जाएगा, वहाँ पे जाके वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आइए, बाकी राक्षस में भी मूवमेंटिंग है, जो हाथ पैर से अपना दिखाएगा मूवमेंट। बाकी कुछ बच्चे कलाकार भी हैं जो काली का दुर्गा का
रूप में आकर यहाँ स्टेज प्रोग्राम करेंगे और डांस भी करेंगे। काफी अच्छी प्रोग्राम है उनकी, जिसको एक बार देखने के लिए दर्शक जरूर आए। तो हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से गौरी बाजार की ऐसी प्रतिभा जो आप सामने हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, आप एक बार जरूर आएं और इनकी मतलब जो यहाँ का जो ये पंडाल है इसको जरूर आप प्रमोट करें, कमेंट करें, इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करें कि गौरी बाजार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो। आप लगातार आप मेरे चैनल को सर्च करते रहिएगा और हम आने वाले टाइम में यहाँ का पूरा कवरेज करेंगे और यहाँ की जो सुंदरता है उसको भी कवरेज करेंगे और आप दर्शकों के बीच में फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।